सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका छोटा भाई साहिल, आज हो चुके है 10 जुलाई, टाइम हो चुका है 11:20। तो निकलने का सोच रहे हैं अब यहाँ से चंडीगढ़। मैं और मेरा कज़िन अभी गए थे मार्केट नियर बाय, यहाँ पर मोती नगर में जो मार्केट है। माइक सीरियसली ढूंढ ढूंढ के थक गए बट नहीं मिला। तो अभी हम जाएंगे शायद से क्रोमा, क्रोमा एक स्टोर है अपना, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा, कैमरे का रिलेटेड एंड एवरीथिंग। तो अभी हम जाएंगे क्रोमा, वहाँ से ट्राई करता हूँ वहाँ बस माइक मिल जाए, क्योंकि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा माइक नहीं है। कल वाला जो व्लॉग ख़राब हुआ है ना, लिटरली दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। तो अभी हम निकल रहे हैं क्रोमा के लिए, और फिर उसके बाद आके रेडी वेडी होके मासी वगैरह से सबसे मिल के देन मैं निकलता हूँ सीधा चंडीगढ़ के लिए। तो मिलते रहेंगे फिर आपसे रास्ते में, सीधा बात करता हूँ आपसे गोप्रो पर। सो फाइनली अभी अपन निकल रहे हैं आग के लिए, आज पहुँच जाएंगे अपन चंडीगढ़, देन देखते हैं उसके बाद क्या होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फोटो शूट करवाने कह रहे हैं। भाई चुप कर भी पड़ रही है ना अलग लेवल। भाई दिल्ली से निकलना ना बहुत आसान नहीं है यार, मतलब लाइक लग जाती है भाई बाइक की भी अपनी भी। गर्मी ने जो ले रखी है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल पे। अभी रेड लाइट पे खड़े मोतीनगर फ्लाई ओवर रिंग रोड पर, यहाँ से निकलेंगे सीधा रोहतक रोड वाले पर, रोहतक क्यों सॉरी करनाल बाईपास पर, आजादपुर से सीधा निकल जाएंगे करनाल बाईपास, फिर अपन पहुँचेंगे सीधा चंडीगढ़। अलग लेवल की गर्मी पड़ रही है यार, मतलब कहते हैं ना रहा सा नहीं रहता सहा सा नहीं रहता, फिर वाला सीन चल रहा है भाई। रेड लाइट पे ना मैं भी रेड लाइट पे अगर कहीं रुका तो साइड में रिएक्शंस नोट करना, रिएक्शंस क्या होते हैं बंदों के। गर्मी रहना तंग कर दिया अभी से, कोई नहीं सहना तो पड़ेगा, तो किसके बाद तो आगे जन्नत ही जन्नत है ना फिर। हाँ जी वजीरबाद ISBT मुकाबरा चौक एंड मुकनपुर विलेज, नहीं जी अपने को सब्जी इन जगह जाना ही नहीं थी। चलेंगे यहाँ से आ जाएगा सीधा करनाल रोड, मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे, यहाँ से आ जाएगा करनाल रोड, करनाल रोड के बाद अपना सीधा चंडीगढ़। भाई ये क्या सीन चल रहा है, अरे ओ रुको 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 अपनी को निकलने दो भाई। फाइनली मतलब सुकून मिला है, मतलब वो ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद, तो गर्मी जो लग रही थी ना ट्रैफिक में, और वो एक तो ऊपर से पॉल्यूशन ऊपर से धूप, हाँ मेरे को मारा जान निकल गई थी भाई। तो अपन ने कर लिया आजादपुर क्रॉस, आने वाला है दिल्ली करनाल हाईवे, और उस हाईवे पर चढ़ के तब जाके थोड़ा बहुत और सुकून मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे बहुत झेलना पड़ेगा और मैं खुद मैं झेलने को रेडी हूँ भाई, क्योंकि अभी तो इसके बाद जन्नत चालू होने वाली है। क्यों जी गलत तो नहीं कह रहा भाई, ये माउंट है ना बहुत अल्टीमेट है, मतलब बाइक मोबाइल में थोड़ा वाइब्रेशन भी नहीं है, गिरने तो बहुत दूर की बात है गिरने की, तो वाइब्रेशन भी नहीं है टच। सो फाइनली करनाल हाईवे पे आ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने गलत रूट ले लिया था तो मैं बहुत आगे गलत निकल गया था, क्योंकि कट दिमाग में रहा ही नहीं ट्रैफिक को देखते देखते मेरे
अभी अपन हाईवे पे आने वाले हैं और ये आ गए, ये आ गया भाई सीधा अपना हाईवे दिल्ली वाला करनाल चंडीगढ़। अभी 2 मिनट पहले मेरा GoPro ऑफ था, बंदा हाईवे ऐसे क्रॉस कर रहा था जैसे डाइनिंग से ड्राइंग रूम में जा रहा है अपने घर में। भाई भाई उसको कोई मतलब नहीं है गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, बाइक भी है, मैं भी था और मेरे आगे दो गाड़ियाँ थी होंडा सिटी। भाई उसने इमरजेंसी ब्रेक लिया यार, मतलब ऐसे क्या, और बंदे को कोई टॉरेज में कमी नहीं उसके 1% की, वो बंदा अपनी स्पीड से ही टप 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 करके गया भाई, उसको नहीं था किसी से मतलब। कम से कम अपना नहीं ख्याल रख सकते, दूसरों का तो ख्याल रख लो, दूसरों को क्यों मारने आ रहे हो भाई। आज मुझे नहीं पता हाईवे क्या हुआ है बंद, बैरिकेडिंग की हुई थी और बोर्ड लगा हुआ था सोनीपत पानीपत के लिए, यू टर्न लें, देन आफ्टर दिए अपन इस गली टाइप में आ गए हैं, सारे व्हीकल्स इधर से जा रहे हैं। भाई कौन से गांव से निकाल रहा है रास्ता, भाई खड़े हो गए चलाने का ना, इसके ऑफरोडिंग करने के साथ मजा ही कुछ और है। वापस से हाईवे पे चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा गांव के अंदर से होके रास्ता निकाला हुआ है इन्होंने, 5-6 किलोमीटर का है वो रास्ता और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गंदा लगा हुआ है, आपने देख लिया होगा। मतलब मेरे को खुद को बाइक निकालनी है, बड़ी टेढ़ी चीज़ थी भाई, गाड़ियों में बहुत टाइम लग सकता है, कोई डर नहीं। सर चंडीगढ़ चंडीगढ़ ठीक है ठीक है, आगे जाएगा पूछ लेना ठीक है, वापस यहीं आ जाओगे आप, मैं ऐसे ही आ गया घूम के, ऐसा करो ऐसा जाओ आप, ठीक है सामने जो है टी पॉइंट सर, हाँ जी राइट लेना ठीक है, आपको आगे सीधा जाने में नहीं देंगे, हाँ ठीक है, आगे जाएगा आप सीधे सामने टक्कर पे जाएगा, लेफ्ट लेना फिर, ओके ओके ओके, वो रास्ता मुड़ रहा था आपने जो है लेफ्ट लेकर आप इधर ही आ गए, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके सॉरी सर, ठीक है। तो भाई दोबारा वही पंगा पड़ गया, मैं अभी दोबारा वही रूट घूमता था बट अंकल अच्छे थे, उन्होंने बता दिया है मेरे को आगे से जाके राइट होना, राइट से लेफ्ट मारना है, जहाँ मेरे को एक बार को लगा था कि शायद कन्फ्यूज़न है, मुझे लगा ले लेता हूँ बट मैंने लिया नहीं, हाईवे दिख गया था, हाईवे पे वापस से आ गया था, बट अंकल अच्छे थे, उन्होंने बोला आप वापस चले जाओ यहीं से, नहीं तो मेरे को वही दोबारा वाला राउंड मारना पड़ेगा। तो ये वाला रूट था जिसका अपने को निकलना है, ये अपने को हाईवे पे निकालेगा, वहाँ बच गए, वहाँ तो वापस वही गोल चक्कर घूम जाते। भाई अपन लोग समझते थे किसान आंदोलन खत्म हो गया, भाई नहीं, किसान आंदोलन अभी भी चालू है इधर, ये जो रोड ब्लॉक है ये सब इन्हीं की वजह से हुआ हुआ है यार, अब तो प्लीज सरकार को भी सुननी चाहिए यार, कितने टाइम से बैठे हैं यार ये लोग, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून, भाई 9 महीने से ऊपर हो गए भाई, अब तो सुन लो इन बेचारों की।
यार कोई इतना कैसे हो सकता है भाई, मतलब अभी तक बेचारे रुके हुए लगे पड़े हैं यार। तो भाई पिछले एक घंटे से ना गांव में घूम घूम के ऑफ रोडिंग कर करके मेरी तो लग गई थी लगता, ऊपर से ऐसी गर्मी है ना। अब जाके हाईवे आ चुका है और अभी मैं यहाँ से करीबन है यहाँ से 10-15 किलोमीटर अराउंड अमरीक सुखदेव, सीधा वहीं ब्रेक लूँगा, एक आज मारूँगा चाय या रेडबुल पानी वानी पी के फिर उसके बाद निकलेंगे अपन सीधा चंडीगढ़। अगर बीच में हुआ तो भाई एक और स्टे ले लूँगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट चंडीगढ़। लिटरली भाई फार्मर्स बहुत ज़्यादा तंग है यार, वहाँ पीछे मैंने देखा हज़ारों से ज़्यादा टेंट लगे हुए हैं। अब तो सुन लो भाई मोदी जी, सुन लो भाई सुन लो, ये लोग नहीं होंगे ना तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ भी याद रखना। का जो है वो टेस्ला वालों से सौदा कर लिया था, टेस्ला वालों ने अपने को अपनी वो ऑटोमेटिक बाइक बना के दिए, क्रूज कंट्रोल लो, ऑटो हैंडलिंग लो, सारा कुछ लो। जस्ट किडिंग गाइस, अपन के क्रूज कंट्रोल होने हैं, बैलेंस अपनी बॉडी से कर रहे हैं, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। हाईवे पे खुला छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पर कुछ करना भी नहीं करना, हाँ करना अपने को भाई लेकिन ठक कैसे हो जाएगी, ठक रुकना नहीं करना पड़ेगा। जब आपको लगता है तो आप पहले क्रूज कंट्रोल रिलीज कर दीजिए, ये नहीं कि आप लास्ट एंड मोमेंट पे जाके क्रूज कंट्रोल को रिलीज करें। बाकी तो सजेस्ट मैं उसको करूँगा जो लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं, शॉर्ट राइड और सिटी राइड के लिए प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। मन्नत हवेली भाई, अपना अमरीक दादा मारे गए तूफान मेल ढाबा, गाइस सुना है अच्छे नाम पहले भाई। अपने साथ हुई एक चोट, चोट क्या हुई, अपने से निकल गया अमरीक सुखदेव पीछे, और अभी मैं देख रहा हूँ कोई पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के बाद देखता हूँ यहाँ कोई ढाबा या ढाबे, पहले रुकता हूँ फिर उसके बाद रुकूँगा पेट्रोल पंप पे। और कुछ राइडर्स जा रहे हैं अभी लद्दाख के लिए, देख के काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे, और अब जगह देखते हैं रुका खा जाए, पेट पूजा तो नहीं करनी खैर, बट हाँ स्टिल मुझे अभी ना जरूरत है रेडबुल की। ये सारे भाई रेंटेड लेके आए हैं बाइक दिल्ली से, और ये निकल रहे हैं 110% के लिए लगा रहा। चलो जी बढ़िया एंजॉय करो। तो भाई अभी आ गया है पानीपत, और पानीपत का ये फ्लाई ओवर है, शायद मेरे को लगता है ये सबसे लंबा फ्लाई ओवर है इस रोड पर, इस हाईवे पर। यार ये हाईवे पर इस पर ना ये वाला फ्लाई ओवर अराउंड होगा कम से कम मेरे भाई 6-7 किलोमीटर। हाँ जी, तो अभी अपन पहुंच गए पानीपत से आगे, करनाल रह गए ऐसे 20 किलोमीटर अराउंड, और अभी अपन ने यहाँ रुक के रेडबुल मारी है, तब जाके शांति मिली है। इतनी हेक्टिक वाली गर्मी है ना, रहा ही नहीं जा रहा यार, मतलब फुल ऑन भेजा फ्राई हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं करनाल से, जहाँ करनाल साइड आगे निकलेंगे चंडीगढ़, बात बात करते हुए चलेंगे सीधा आपसे पहुँच लेंगे। तो मैं कहाँ रुका हूँ, सागर ढाबा काफ़ी अच्छा है, पड़ोसन बनते हैं यहाँ पर, तो मेरे लिए तो बेस्ट था। खानी भी फुल तैयार तरीके से खड़ी है, दिखा देता हूँ। तो भाई करनाल यहाँ से रह गया है बस 20 किलोमीटर अराउंड, और थोड़ा सा लिया था रेस्ट, रेस्ट हो गया है पूरा, चलते हैं आगे। GoPro की बैटरी भी लगा दी है चार्जिंग पे एक्स्ट्रा वाली, दूसरी जो बैटरी थी उसमें लगा दी है, बैटरी हुई थी लो,
और रेस्ट भी ले लिया, बैटरी भी हो गई, सारा कुछ परफेक्ट है। अभी चल रहे सीधे चंडीगढ़, हुआ तो बीच में एक आधा स्टॉप लूँगा, नहीं तो सीधा चंडीगढ़। भाई मुझे जो फील हो रहा है ना वो ये फील हो रहा है कि शायद से ना विंड ब्लास्ट आ सकता है, क्योंकि ये है लोकल माइक और जो मेरा माइक ख़राब हुआ है वो ओरिजिनल माइक था। भाई बुद्धि है ना बिल्कुल ख़राब चल रही है, वो रात को जाके ही पता लगेगा। साउंड चेक करूँगा कि भाई क्या सीन है, विंड ब्लास्ट है नहीं है, क्या है क्या नहीं। अभी तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल बंद पड़ा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हे भगवान, अच्छा सा करना जो भी करना, ख़राब नहीं होनी चाहिए आवाज़। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइफ में जो लिख के आया वही होना है, उससे तो कुछ होना नहीं है। तो यहाँ मिल गए थे कुछ अंकल, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और बाइक के बारे में भी पूछ रहे थे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, और इनका नेचर बड़ा काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है अंकल जी, तो चलो जी आगे चलते हैं। हम यहाँ से चंडीगढ़ रह गए अभी 80 किलोमीटर अराउंड। थैंक यू। 190 किलोमीटर चले टोटल? नहीं नहीं, 900 किलोमीटर। हाँ जी ठीक है अंकल, थैंक यू। काफ़ी अच्छे थे अंकल, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, और मेरे को बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लेना। मैंने अंकल जरूर आपको वीडियो में लेंगे। हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग। अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैंने होटल लिया है केसी रॉयल, और टाइम हो चुका है अभी 7:45। तो आज अपन क्या यहाँ कर रहे हैं, क्यों हैं, अपने एक भाई हैं नागपुर से, अक्की भैया, तो वो आज पहुंच जाएंगे यहाँ पर अपने पास अराउंड रात को 3 या 4 बजे। देन अपन सुबह निकल जाएंगे साथ में सच पास के लिए। देखते कल कहाँ तक कवर हो पाएगा, वहाँ तक कवर करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं होटल का आपको लुकआउट करवा देता हूँ। ये अपना होटल है और ये अपनी बेबी है। मेन बात ये, हम यहाँ कहाँ किसके साथ क्यों रुके हुए हैं तो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। उनका काम है भाई, यहाँ पर बुलेट कैफ़े के नाम से है चंडीगढ़ में, जीरकपुर में। आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी भाई को भी चंडीगढ़ में अगर बाइक रेंट करनी हो स्पीति के लिए, सच पास के लिए, लद्दाख के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सुमित भैया से। सुमित भैया बुलेट कैफ़े अपना खुद का उनका स्टोर है, वो खुद अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। रही उनकी बात, तो उनका मोबाइल नंबर उनका डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ उनका डाल दूंगा। बज गए रात के 2:30 और साथ में थोड़ा सा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इतनी नींद आ रही है ना, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और लिटरली यार सुमित भैया का नेचर मैंने इतना सोचा नहीं था जितना वो अपर लेवल के निकले, और सीरियसली गाइस राइडिंग के मामले में ना मेरे गुरु है वो, गुरु। सीरियसली दिल से कह रहा हूँ, ऐसा गुरु शायद मैंने कभी देखा नहीं, और मुझे मिल गया। मुझे जिस चीज़ की नीड थी ना वो मुझे मिल गया, मेरे गुरु मिल गए। सुमित पाजी सीरियसली उन्होंने मेरे को सच पास के बारे में कुछ बताया, कुछ हिंट्स दिए हैं, बिकॉज उन्होंने 2016 में किया हुआ है और काफ़ी बार किया हुआ है हर चीज़ की, जो काफ़ी चीज़ें बताई हैं उससे मेरी हवा भी निकल रही है और मन भी कर रहा है कि बस जल्दी से निकलूँ सच पास के लिए। सीरियसली बस अक्की भैया जो हैं वो आ जाएँ, देन उसके बाद सोएंगे। भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आँखें भरी पड़ी हैं। एंड द वन एंड मोस्ट थिंग जो मुझे सुमित भैया ने बताई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा उसी रूट पर, जब अपन सच पास वाले रूट पे होंगे, और कुछ शेयर करने वाला हूँ मैं कल आपसे बाइक पर। लिटरली यार मतलब मेरी एक बार को तो हवा निकल गई भाई, क्या ही है वो चीज़। तो कल आपसे कुछ बातें करते करते चलेंगे अपन यहाँ से बैरागढ़, मतलब चंडीगढ़ टू बैरागढ़ अराउंड बैठेगा 300 किलोमीटर,
तो कल अपन यहाँ से बात बात करते हुए चलेंगे। अभी होटल में अकेला पड़ा हूँ और लिटरली सामान दिखाता हूँ कैसे फैला पड़ा है। समेटना है सारा की सारा। चलो जी इस व्लॉग को एंड करते हैं अच्छे से और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। चंडीगढ़ टू बैरागढ़। चलो मिलते हैं कल आपसे नए रूट पर नई बातों के साथ नए साहिल के साथ। चलो बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल।